सुबह पार्क में जॉगिंग करने का अलग ही मजा है यार। दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं। बिल्कुल सही। चल यार योगा करते हैं। पहले पसीना तो पोछ लें। हाँ यार, उसके बाद करते हैं योगा। सभी लोग पद्मासन स्थिति में बैठ जाइए। लंबी सांस लेकर सांस को धीरे धीरे छोड़िए। राहुल, राहुल, अरे राहुल, राहुल, अरे क्या हुआ राहुल, अरे क्या हुआ राहुल, राहुल, अरे ओ माय गॉड राहुल, क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो मर गया। ऐसे कैसे मर गया? ये अभी तक तो ठीक था। मैं CID को फोन लगा था। राहुल, हेलो, तो आप इसके साथ में ही थे? हाँ साहब, मैंने आपको फोन किया था सर। आपके सामने मौत हुई? हाँ सर, अचानक बस गिर गया सर। मतलब हम सब जॉगिंग करके आ रहे थे और यहाँ योगा चल रहा था, अचानक ये गिर गया सर और क्या, मर गया सर। यहाँ पे आइए। ये देखिए, इसके सिर में तो घाव। आसपास कोई आदमी खड़ा था क्या? नहीं सर। तो बॉडी बल्ट उसकी? इसको गोली लगी है। आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी? नो सर, सर गोली चलने की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आई सर। इतने सारे लोग थे और किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? लगता है खूनी है, गन में साइलेंसर लगा रखा होगा। ऐसे ही हुआ है विवेक। एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों ने किसी आदमी को देखा जो गड़बड़ लगा हो या जिसपे शक किया जा सकता है कि वो गोली चला दे? सर जॉगिंग करने वालों के अलावा तो कोई भी नहीं था सर यहाँ। आखिरी बार देखा तो ये आदमी कैसे बैठा था? पीठ पीछे की तरफ थी सर। मतलब ऐसे? हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही सर। इसके सिर में जिस तरह से गोली लगी है, ऐसा लगता है गोली ऊपर की तरफ से आई है, यहाँ आसपास किसी बिल्डिंग में से आई होगी। हो सकता है कि बिल्डिंग के टेरेस से चली होगी। फोनों के काफी वक्त हो चुका है, अब तक तो खूनी निकल चुका होगा। ये कोई प्रोफेशनल शूटर था, वो गोली चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। अपना काम हो गया, निकल लिया वो। एक काम करते हैं, आसपास जितने बिल्डिंग्स हैं सबके टेरेस में चल के देखते हैं। सारी बिल्डिंग देख ली मगर कुछ नहीं मिला। ये आखिरी टेरेस है, देखो शायद कुछ मिल जाए। ये देखिए सर,
एक गोली का शेल मिला है सर। कहाँ था? यहीं पे। वहाँ पे? घड़ी। जगह यहाँ से साफ दिखाई दे रही है जहाँ पे राहुल बैठा था योगा करने। और पूरी ने भी गोली बिल्कुल ठीक जगह पे मारी। एक ही गोली चलाई लेकिन उसने गोली वहीं जाके लगी जहाँ से उसे लग रहा था। ये काम किसी छोटे गन का नहीं है, ये किसी लंबे रेंज वाली गन का है। खूनी ने टेलीस्कोप लगा के यहाँ से गोली चलाई। लेकिन सर इतनी लंबी गन वो यहाँ ऊपर लेके आया होगा तो किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? हाँ देखा होगा किसी ने। चलो चल के वॉचमैन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। यहाँ पे सुबह किसकी ड्यूटी होती है? मैं ही रहता हूँ साहब। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? सुबह 8 बजे से। कुछ हो गया साहब? ये लो, नाक के नीचे खून हो गया और कह रहा है कि कुछ हो गया। क्या खून? कहाँ पे? खून यहाँ पे सामने, ये पार्क में। पार्क में खून? हाँ, गोली यहाँ किसी बिल्डिंग से चलाई गई। नहीं साहब, खूनी अंदर जा ही नहीं सकता साहब। नहीं नहीं, खूनी इसी बिल्डिंग के अंदर घुसा और टेरेस पे जाके उसने गोली चलाई। ये बुलेट का शेल भी मिला। नहीं साहब, बिल्डिंग वालों के अलावा और कोई अंदर नहीं हो सकता, और जो भी अंदर जाता है उससे पहले रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। तो इस बिल्डिंग के अंदर आने के लिए दूसरा कोई रास्ता है? नहीं साहब, दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है बिल्डिंग से अंदर बाहर जाने के लिए। चलो ठीक है, रजिस्टर लिखो जिसमें तुम एंट्री करो। हाँ साहब, ये लीजिए सर। अच्छा ये लोग कौन है? ये रमेश, वीरू, बादल, समीर, भूषण, ये लोग सब काम करने वाले हैं साहब। बिल्डिंग में चौथे माले पर कुछ काम चल रहा है, वहीं पर काम कर रहे हैं ये लोग। ये लोग हैं? 5 लोग हैं साहब, एक हफ्ते से रोज काम पर आ रहे हैं। सर, कहीं खूनी इन 5ों में से तो नहीं है? हो सकता है। इन सबको घेर लो, ब्यूरो लेके चलो, इनसे पूछताछ करनी है। सचिन, काजल के साथ राहुल के घर पे जाओ, देखो वहाँ से कुछ पता चलता है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि राहुल से मिलना छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है उससे। राहुल किससे शादी करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, और मैं भी राहुल से प्यार करती हूँ। ये बात तुमने राहुल से पूछी कि वो किससे शादी करना चाहता है? यही तो तुम धोखा खा गई। राहुल ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे। और उसने ये भी कहा है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, वरना नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो नया, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हारे आने से लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। एक मिनट, क्या हो रहा है? आप कौन है? आप ये लोग CID से? CID? लेकिन CID का यहाँ क्या काम? ये लोग कौन है? ये राहुल के अंकल है विनय जी, और ये राहुल की आंटी है मालती जी, ये शीतल है राहुल की से शादी होने वाले, और ये कौन ही है? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मेरा नाम नेहा है। वैसे किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था आप लोगों के बीच? ये शीतल मुझसे जलती है क्योंकि राहुल मुझसे प्यार करता है। अच्छा ये बताइए कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं या फिर और भी कोई आना बाकी है? गौरव और राजेश आ रहे हैं, मैंने फोन किया था उन्हें। विपुल, क्या बात है, ये सबको क्यों बुलाया जा रहा है? क्या बात है विपुल, सब ठीक ठाक तो है ना यहाँ? हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? विपुल क्या हुआ है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो हम आपको यहाँ बुलाते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि राहुल की मौत हो गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, संभालो। लेकिन राहुल की मौत कैसे होगी? किसी ने गोली मार दी उसे। उसे गोली कौन मार सकता, उसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। किसी ने मारा होगा मेरे राहुल को। इससे तुम्हे ये भी बोला था कि अगर इसकी शादी राहुल से नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। हाँ, जरूर इसी ने मारा राहुल को। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उसे क्यों मारूंगी? अगर मुझे भी इस लड़की नेहा पे शक है। राहुल से 2 लड़कियां प्यार करती थी, शीतल और नेहा, और शीतल की राहुल से ऑलरेडी मंगनी हो चुकी सर। शीतल की मंगनी हो चुकी थी राहुल से? हाँ सर, और उसके बावजूद नेहा दावा करती है कि राहुल नेहा से ही शादी करने वाला था। जी बात तो परिवार के सभी लोग नेहा की तरफ उंगली उठा रहे हैं,
उनका कहना है कि नेहा ने ही राहुल का खून किया है या करवाया है। नेहा ने? पर तुम तो कह रहे थे कि नेहा राहुल से प्यार करती थी। और तो और नेहा ये भी कह रही थी कि वो राहुल से शादी करेगी और किसी और को शादी नहीं करने देगी उससे। सर ये वो लोग हैं जो उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे जहाँ से राहुल पे गोली चलाई गई। हमने कुछ नहीं किया साहब। हम जानते हैं, बस जितना सवाल पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना, समझे? जिस बिल्डिंग में तुम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे किसी ने एक आदमी पे गोली चलाई। गोली किसने चलाई साहब? वही पता करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। साहब हमें क्या मालूम, हमने तो किसी को नहीं देखा गोली चलाते हुए। आराम से सोच के बताओ, हाँ किसी को देखा था बिल्डिंग में या बिल्डिंग के आसपास घूमते हुए जो कुछ गड़बड़ लगा हो या फिर पहली बार देखा हो? सर अभी मुझे याद आया सर, बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि 5 मजदूर काम कर रहे थे बिल्डिंग में, मगर ये तो 4 है। हाँ साहब, एक आदमी नहीं आया, भूषण वो एक हफ्ते से बीमार है साहब। एक मिनट सर, ये देखिए इसमें जो एंट्री लिखी हुई है इसके हिसाब से तो भूषण 3 दिन काम पे आया था इस हफ्ते में। ये लोग झूठ बोल रहे सर। नहीं साहब मैं सच कह रहा हूँ, वो एक हफ्ते से नहीं आया साहब। सर अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भूषण की जगह कोई और आया, भूषण का नाम लिखे। कौन ही होगा और कौन हो सकता है? ये देखा, भूषण के आने का टाइम अलग लिखा है और ये मजदूरों का आने का टाइम ये अलग है। ये वर्कर्स पहले आए थे और भूषण आधे घंटे बाद आया था। इसका मतलब दया खूनी को मालूम था कि इस बिल्डिंग में काम चल रहा है और यहाँ पे एक मजदूर काम पे नहीं आ रहा है, इसी बात का फायदा उठा के खूनी वहाँ पे आया और उसने राहुल को मारा। मगर सर खूनी राहुल को गोली ही मारना चाहता था तो उसने वही बिल्डिंग क्यों चुनी? आसपास और भी तो बिल्डिंग्स थी, वहां से भी तो गोली मार सकता था राहुल को। सचिन शायद किसी और बिल्डिंग से ठीक तरह से निशाना लग नहीं रहा होगा, इसीलिए 3 बार पहले भी आ चुका है इस बिल्डिंग में जगह देखने के लिए। भूषण का नाम है ना रजिस्टर में। 3 बार इस बिल्डिंग पे आया तो आसपास की बिल्डिंग पे भी गया होगा ये देखने के लिए कि राहुल पे निशाना कहाँ से ठीक तरीके से लगाया जा सके। तो आसपास की बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछते हैं तो पता चल जाएगा, शायद कोई बता दे कि उसने किसी को देखा। और डॉक्टर सारुं के? ठीक है हम लोग आते हैं। नारिका जरा सर को स्कैनर के नीचे करो। यस सर। ये दिखाई नहीं दे रही। ये रही बुलेट। थैंक यू सोनाली। डॉक्टर सालुंके क्या हो गया आपको? व्हाई यू सेइंग थैंक यू? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मुझे आपकी मदद ना रोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब अब आपकी उम्र हो चली है तो मदद लेने में कैसी शर्म। नहीं निकालता बॉस में गोली, जाओ निकाल लो अपने आप। अरे डॉक्टर साहब अभिजीत मजाक कर रहा था। आई देखो बॉस, दो चीजों के बारे में मजाक किया ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ओके अब कोई मजाक नहीं करेगा, आप गोली तो निकालिए, प्लीज प्लीज निकालिए बुलेट। वैसे ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसे सुन के आपके तन में आग लग जाती है? अभिजीत तन नहीं, डॉक्टर साहब के तन बदन में आग लग जाती है। हाँ वही तन बदन में आग लग जाती है। कभी भी मेरी उम्र के बारे में कुछ मत बोलना। और वो दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी चीज तो पता है ना आपको, कई बार आग लगाई है ना आपने। क्या 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 बात है सर? कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला ना तो। गर्लफ्रेंड होगी तो बोलेंगे ना भाई। देखा देख लिया ना फिर से। नहीं नहीं अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं है। नहीं बताऊंगा बॉस, कभी कुछ नहीं बताऊंगा। मगर डॉक्टर साहब गर्लफ्रेंड है क्या? वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं मत बताइए, मत बताइए, मत बताइए। चलो ये गोली मिल गई है तो इससे ये तो तय हो गया कि इस आदमी की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अभिजीत अगर ये आदमी गोली से नहीं मरता ये फिर भी मर जाता। अच्छा वो कैसे? जहर से। और कैसे? जहर से? तो क्या गोली पे जहर था? नहीं गोली पे जहर नहीं है। अरे तो फिर डॉक्टर साहब। अरे भाई आप बात को उल्टी सीधी करके आप बदला मत लीजिए। आप नहीं नहीं वो बदला नहीं ले रहे, आई एम सीरियस। देखना चाहेंगे? देखिए ये मार्क्स देख रहे हैं, जहर शरीर में यहां से अंदर के। जब ये आदमी जहर से मरने वाला था तो फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए
कि जहर आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था, देर से मर गया, गोली से पट से मर गया। मतलब सर गोली दो दो है? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बॉस जिस आदमी ने जहर दिया है उसी आदमी ने गोली भी चलाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही लोग ढूंढेंगे ना। सर 0.22 कैलिबर की गोली है। मतलब इसे जहर खिलाया नहीं गया है, किसी चीज पे लगा के इसके शरीर के अंदर डाला गया है। चांद पे नीचे की तरफ यहाँ यहाँ पे निशान है, इसका मतलब किसी चीज पे बैठा होगा शायद। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज जिस पर ये आदमी रोज बैठता। फिर ये योगा कर रहा था मैट पे बैठ के। नहीं बॉस, इस मैट पर जहर नहीं है। मैट पे जहर नहीं ना। तो फिर किस चीज पे लगा होगा? फिर हो सकता है इसके पास दो दो मैट हो। इसे घर जाओ और पता करो जरा। यस सर। गेट खोलो। सीआईडी, जो जो पूछा जाए सच सच बताना। यस सर। एक दो दिन पहले यहाँ बाहर का कोई आदमी आया था कि बिल्डिंग में? सर दिनभर में तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है तो कोई किसी का दोस्त है। इनमें से कोई बदमाश जैसा कुछ गड़बड़ लगाओ? सर एक इलेक्ट्रीशियन था, उसे पहले उसे कभी देखा नहीं बिल्डिंग में। वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो तुमने उसे रोका नहीं अंदर जाने से? सर इससे पहले वहाँ से रोकता सर, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया। उसके हाथ में कुछ था, ब्रीफकेस वगैरह? हाँ सर एक बैग था उसके हाथ। गुलिया जानते हो, मतलब देखो तो पहचान लोगे? हाँ सर पहचान लूंगा। यस सर। ठीक है इसे लेके जाओ फ्रेडी और साथ में होलिया बनाओ। चलो ड्यूटी हो रही है। भाई साहब उठिए। ओ भाई साहब। साहब नाम क्या है तुम्हारा? दीन दयाल। ड्यूटी पे सो रहे थे? नहीं साहब। दीन दयाल तुम्हें मालूम है ना पास में एक पार्क में खून हुआ? हाँ साहब। तो बाहर का आदमी आया था आज यहाँ बिल्डिंग में? बाहर का आदमी? हाँ साहब जी, एक मोटर मैकेनिक आया था। मोटर मैकेनिक? तुम उसे देखोगे तो पहचानोगे? अगर देख लूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। मतलब हमारा शक सही निकला, खूनी पहले हर बिल्डिंग में गया कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ से सही निशाना लगा सके। इस हिसाब में स्केच बनवाते हैं, कैसे पता चलेगा वो है कौन। आ जाओ। जी सर। आप लोग फिर आ गए? घर में कोई नहीं है क्या? शीतल मैडम है। कहाँ है वो? वो कमरे में लगातार रो रहे हैं। शादी से पहले पति की मौत हो गई, बहुत बुरा हुआ। शीतल जी, शीतल जी, आप लोग फिर से, अब क्या बाकी रह गया था मतदान के लिए? देखिए शीतल जी, हम इस घर की तलाशी लेने आए। घर की तलाशी क्यों? क्योंकि राहुल की मौत शरीर में जहर जाने की वजह से हुई है। शरीर में जहर गया है? और मुझे तो बताया था कि राहुल को किसी ने गोली मार दी। पहले हमें भी ऐसे ही लगा था, लेकिन उसे गोली मारने के साथ साथ जहर भी दिया गया। और खूनी ने अच्छी तरह से प्लानिंग की थी कि अगर वो गोली से नहीं मरता है तो जहर से तो मरेगा ही। राहुल को मारने के लिए इतना बड़ा प्लान, बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखो शीतल, राहुल को पिछले 3 महीने से लगातार जहर दिया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, स्लो पॉइज़न। उसे जहर दिया किसने? यही पता लगाने के लिए हम भी आए। पर यहाँ क्यों? क्योंकि हमें शक है कि जहर यहीं पे दिया गया। काम करते हैं काजी, मैं वहां चेक करता हूं, तुम यहां देखो।
बैठ। ये तो वही मैट है। काजल क्या कह रहे हैं? ये वही मैट है। मतलब राहुल के शरीर में जहर इसके जरिए गया है। हाँ काजल, इसका मतलब जब राहुल योगा के लिए इस मैट का इस्तेमाल करता होगा तो जहर धीरे धीरे उसके शरीर में जाता होगा। बस सर, घर में घुसकर कौन मैट पर जहर लगाएगा? और सर, बाहर का कोई आदमी आया भी नहीं घर में। अगर बाहर का आदमी नहीं आया तो जरूर ये कोई घर का आदमी है, या तो कोई रिश्तेदार या फिर कोई यार दोस्त। दोनों बिल्डिंग में भेस बना के गया ये खूनी। आदमी एक और भेस अनेक। सर, ये आदमी हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक तरीके से चेक किया? जी सर। ठीक है मुझे जरा एक फोटो ध्यान से देखो, इसकी आंखें, ये भुए, ये नाक वाक, देख के ऐसा लगता है कि ये आदमी आदमी नहीं है। आदमी आदमी नहीं है मतलब? मतलब अभिजीत, ये कोई लड़की है। ये देखो। अरे हाँ, ये तो कोई लड़की लग रही है। हम ढूंढ रहे हैं आदमी को और खूनी कोई लड़की है। विवेक, जरा शूटर्स की लिस्ट में देखो, कोई औरत है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? यस सर। जी, मुझे लगता है खूनी नेहा या शीतल, इन दोनों से कोई एक है। ये दोनों ही राहुल की दोस्त थी और दोनों की दोनों शादी करना चाहती थी राहुल से। अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से गोली चलाना कौन जानता है। सर, नो मैच फाउंड। ठीक से ही चेक किया सर। ठीक है, ये जहां जहां पे भी लोग शूटिंग करना सीखते हैं वहां वहां जाके राहुल, शीतल और नेहा के बारे में पता करना पड़ेगा, शायद किसी को कुछ पता हो। दूसरे राहुल को जहर भी दिया गया है तो ऐसा लगता है कि खूनी एक नहीं, खूनी दो ही हैं। दूसरा घर वालों में से कोई हो सकता। दूसरे खूनी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। हमेशा याद रखो, निशाना लगाते वक्त दिल और दिमाग दोनों एक जगह पे होने चाहिए। दिल और दिमाग दोनों टारगेट के बारे में सोच रहे हैं, हाथ वही कर रहा है जो दिमाग कह रहा है। ट्रिगर को हल्का दबाओ, जैसे ही आंख गन की साइड तीनों एक लाइन में आते ही शॉट कर दो, न पहले न बाद में। जी सर बोलिए। न्यू एडमिशन? जी नहीं, सीआईडी से। क्या हुआ सर? एक लेडी से हम लोग पूछताछ करने के लिए आए, शायद आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हो। कौन है? ये तो हमें भी नहीं मालूम कि वो कौन है, मगर यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती होगी। एक मिनट जरा प्रैक्टिस बंद कीजिए, ये लोग सीआईडी से हैं, इन्हें कुछ इंक्वायरी करनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों लेडीज में से कोई राहुल या राहुल के परिवार वालों को जानता है क्या? ये राहुल कौन है? हम किसी राहुल को नहीं पहचानते। सर हमें कुछ नहीं मालूम, आप प्लीज किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू, आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। अच्छा ये बताइए कि इन लेडीज के अलावा और कोई है ऐसा जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया? ये उन लड़कियों और औरतों की लिस्ट है जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती है। ये इसके नाम के आगे आपने यहाँ पे लेफ्ट क्यों लिखा है? सर लेफ्ट का मतलब कि ये यहाँ से छोड़ के जा चुकी हैं। कब छोड़ के गए? करीब एक हफ्ता पहले। क्यों छोड़ के गई, क्या वजह बताई? वजह तो कुछ खास नहीं बताई, कह रही थी कि जो मैंने सीखना था वो सीख लिया। ये क्या यहाँ पे रोज सीखना थी? जी हाँ रोज आती थी, करीब महीने भर पहले ही उसने एडमिशन लिया था, पता नहीं अचानक क्यों छोड़ के चली गई। अचानक छोड़ के चली गई और कोई कारण भी नहीं बताया, अजीब सी बात है। अच्छा ये बताइए कि इसका एड्रेस होगा ना आपके पास? हाँ। प्लीज दीजिए। ऐसे सीआईडी वाले मैंने पहली बार देखी, जो खूनी को तो पकड़ नहीं रहे, घर वालों को परेशान करके रखा हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया होगा? हमसे कैसे पूछताछ, हमने क्या किया? जब कुछ नहीं किया तो फिर घबरा क्यों रहे हो? घबरा कौन रहा? चोर की दाढ़ी में तिनका, आप लोगों में से किसी ने खून किया है मेरे राहुल का। जबान संभाल कर बात कर, राहुल तेरा नहीं था, राहुल मेरा था।
मुझे फालतू की भैंस नहीं करनी है। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों की वजह से हम फंस गए सीआईडी के झंझट में। हाँ सर, एक खुशखबरी आपके लिए, बहुत जल्द खूनी हमारे कब्जे में होगा सर। लेकिन सर एक बुरी खबर भी है सर, हम लोग जैसे ही खूनी को पकड़ेंगे उसकी मौत हो जाएगी। अब वो इसलिए सर कि उसने राहुल को जहर दिया था, साथ साथ उसने उस जहर को हाथ भी लगाए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी सर। अरे सर, आपने तो कहा था ना कि जहर एक फीट की दूरी से भी असर करता है, कोई कितने भी दस्ताने पहने असर तो करेगा ही करेगा। क्या बोला सर, नीले रंग की दवाई रखी है शीशी में, बोतल में, जिसकी वजह से खूनी की जान बच सकती है। कहां पे रखी है? ड्रॉवर में। कौन से ड्रॉवर में? अच्छा अच्छा अच्छा, बी बी वाले ड्रॉवर में। ओके सर, ओके, थैंक्स। आप लोग कुछ सुना तो नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना? तो फिर ठीक है, वरना हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल जाता, मेरी नौकरी चली जाती। आप लोग रुकिए, सर आने वाले, मैं अभी आया। आप लोग कौन है? ये मीता जी का ही घर है। हाँ, घर तो मीता जी का ही है, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? स्वाति, मीता जी की बेटी। मीता जी की बेटी? एक बेटी है, फिर भी ऐसा काम? क्या किया उन्होंने? क्या हुआ ये मीता जी को बताइए, बुलाइए उन्हें। लेकिन पहले ये तो बताइए कि उन्होंने किया क्या है। मीता जी ने किसी का खून किया है। खून? लगता है आप लोगों से कोई गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? जो औरत 5 साल पहले मर चुकी है वो किसी का खून कैसे कर सकती है? क्या 5 साल पहले मर चुकी? मुझे भी ऐसे झटका लगा था जब आप लोगों ने कहा कि मेरी मॉम ने किसी का खून किया है। ये मीता जी शूटर थी ना, गोली चलाने में एक्सपर्ट? नहीं, हाउसवाइफ थी। घर के कामकाज के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। इसका मतलब है सर, उन्हीं ने जहां पर गोली चलाना सीखा वहां पर अपना गलत नाम और पता दिया था। इसका मतलब खूनी जानता था कि मीता जी मर चुकी है पर उन पे कोई शक नहीं करेगा। सर, खूनी मीता जी का कोई जान पहचान वाला होगा या तो कोई रिश्तेदार जो अच्छी तरह से जानता था कि मीता जी अब मर चुकी हैं। अच्छा, ये आपके जान पहचान वालों और रिश्तेदारों की एक लिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं लिस्ट बना देती हूँ। जी, आप प्लीज बैठिए। आपने हमें इतनी देर से क्यों रोका हुआ है ऑफिसर? खूनी के बारे में बताने के लिए। खूनी पकड़ा गया? नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं गया, बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और आप लोगों ने हमें कितनी देर से ब्यूरो में बिठा के रखा है? आप लोगों इसलिए बिठा के रखा है क्योंकि खूनी आप में से ही कोई है। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप लोग? हम भला राहुल का खून क्यों करेंगे? राहुल हमारे परिवार का एक सदस्य था और अपने ही परिवार के आदमी को कोई क्यों मारेगा? अभी पता चल जाएगा। आप लोग जरा अपनी जीभ दिखाइए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुपचाप खड़े रहिए, जीभ दिखाइए। मुकालो। आप लोग खूनी को देखना चाहते थे ना? हाँ, देख लो खूनी, ये है खूनी। मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर किसने किया खून? देखिए सर, राजेश ऐसा नहीं कर सकता, वो तो राहुल के बहुत करीब था। मगर खून राजेश ने किया है। बोलो, क्यों जहर दिया तुमने राहुल को? मैंने जहर नहीं दिया सर। जहर नहीं दिया था तो फिर ये नीली दवाई क्यों पी तुम, जो हमने यहाँ इस ड्रॉर में रखा था? ये सब एक प्लान था राजेश, जिसमें तुम फंस गए। गुनहगार कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। राहुल का खून तुमने किया है, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये ऐसे नहीं मानेगा। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। रेडी? मैं बाहर लेके जाऊं। चलो, पर आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए प्लीज, आप लोग चलिए। आइए आइए, आप बोलिए।
क्यों जहर दिया था राहुल को? सर मुझसे किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? सर मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी उसके कब्जे में है सर। अगर मैं जहर नहीं देता तो सर वो मेरी बेटी को मार देते। कहानी बना रहा है? नहीं सर, ये देखिए सर, ये मेरी बेटी है। उस आदमी को देखा है तुमने? नहीं सर, फोन पर बात हुई थी। ठीक है, जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दो। यस सर, ये नंबर है सर। ये नंबर है? अभिजीत, फोन बंद है अभी। कोई बात नहीं, इस फोन नंबर से एड्रेस का पता चल ही जाएगा। ये सारे रिलेटिव्स की लिस्ट है। तो ये है लिस्ट? ये शीतल को कैसे जानती है? देखो, आप इसे जानती है? किसकी बात कर रही है आप? इसकी बात कर रहे हैं। ये तो मेरे चाचा की लड़की है। तो ये सब कुछ इसने किया है? लेकिन इसे राहुल का खून करने की क्या जरूरत थी? ये तो अब इसी से चल के पूछते हैं। आप खून करती और ऊपर से डाला भी मारा? मैंने खून किया? मैं अपने होने वाले पति का खून क्यों करूंगी? क्यों करेंगे? ये मुझे देख रही है इंस्पेक्टर काजल, इनका एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो पत्ते सी नीचे नजर आएगी। अब बताओ कि सच्चाई क्या है? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। अच्छा, तुम्हें तो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था ना, राइफल शूटिंग के लिए, फिर छोड़कर क्यों चली आई? वो उसके बाद तुमने अपना नाम बदलकर गोली चलाना सीखा, वो भी 5 साल पहले मरी हुई अपनी ही चाची का नाम। हाँ बोलो 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 कि ये सब झूठ है? ये सच है, मैं नहीं मारा है जान से भी ज्यादा चाहती। इसीलिए तुमने उसकी जान ले लिया? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं था मतलब? मेरे परिवार की जान खतरे में है, उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने कहा राहुल को मार दो तो मेरे घर वालों को छोड़ देंगे। अब ये कौन सी कहानी है? ये कोई कहानी नहीं, सच है। कौन है? ये मेरे डैडी और मेरी बहन, इन्हीं का किडनैप। किसने किया है? मैं नहीं जानती कौन है। उनका फोन आ रहा था, उन्होंने कहा राहुल को मार दो नहीं तो तुम्हारे घर वालों को ऊपर पहुंच जाएंगे। जिसका फोन आपको आया उसका नंबर तो होगा ना आपके पास? सर ये जो कोई भी है उसे मालूम है कि शीतल और राजेश बहुत करीब है राहुल के, इसलिए आसानी से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोटो देखा, ये राजेश की बेटी जहाँ किडनैप हुई है कि खिड़की के बाहर ये जंगल है और ये यहाँ पे विंड मिल है। और ये देखो शीतल के परिवार वालों को जहाँ किडनैप किया है वहाँ भी पीछे खिड़की के जंगल और विंड मिल, और दोनों की दीवारें काफी पुरानी सी है। तो ये दोनों फोटो एक ही जगह के? यस विवेक, दोनों फोटो एक ही जगह खींची गई है। जंगल में विंड मिल है और विंड मिल के पास कोई पुराना सा घर, वहाँ पे हैं ये लोग। क्या ये जगह मालूम है मुझे? अरे तो फिर देर किस बात की, चलो। यही वो जंगल है। ठीक है गाड़ी यहीं रोक। घर यहीं कहीं इसी जंगल में होना चाहिए। सचिन कंपास में देखो हम लोग हैं कहाँ पे। सर इस वक्त हम लोग नॉर्थ 20 साउथ 200। नॉर्थ से तो जंगल शुरू हो रहा है, हमें ईस्ट में और साउथ में देखना है। यहाँ से फैल जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई ऐसा घर जो खंडहर हो या काफी दिनों से बंद पड़ा हो। Thank you.
वाह हाँ सचिन तो, यहां से एक घर दिखाई दे रहा है लगता वही देखिए सर ये शायद वही लग रहा है चलो देखते हैं वही घर है सर यहाँ पे शीतल और राजेश के परिवार वालों को बांध के रखा गया है शायद अभी भी ये लोग अंदर ही हो सचिन पीछे देखो कोई और रास्ता है क्या फिर भी कोई रास्ता नहीं कोई नहीं प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज हमें जाने दीजिए चुप चुप अब तुम लोग यहां से लाशें निकलेंगी लाशें प्लीज हमें जाने दीजिए अंदर जाना पड़ेगा अरे चाचा जी आप भाई मानना पड़ेगा हमें तो पता ही नहीं था ये सब कारस्तानी आपकी है इतने दिनों तक सीआईडी को भी बेवकूफ बनाते रहे हैं आप लोग बिना बुलाए आ गए अरे सॉरी 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 आपको लेटर भेजना भूल गए थे कल लंगूर की दुम कर नीचे समझे छोड़ दो चुपचाप इन लोगों को नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा मैं ऐसे गल फेंकने वाला में से नहीं हूं अगर मैं गया ना इन सबको साथ में लेके जाऊंगा सीधी तरह से बात दिमाग में नहीं आ रही जिंदा नहीं जाना तुम लोगों को यहां से ऐसे डरने वालों में से नहीं हूं मैं तुम लोग एक काम करो अपने अपने गन नीचे फेंक दो वरना मैं सबको ऊपर पहुंचा दूंगा प्लीज हमें बचा लीजिए सर बचा लीजिए प्लीज चुप चुप कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों को ये तीन लोग क्या कर ले क्या कर ले अच्छा जी हम तीन लोग 30 के बराबर हैं है ना क्यों चाचा जी पड़े ना हम लोग भारी माफ कर दीजिए मुझे सर माफ कर दीजिए माफी वाला काम तो किया नहीं है तुमने माफ कैसे कर दें गलती होगी सर अपने बेटे के प्यार में मैंने मैंने राहुल को मार दिया बेटे के प्यार में मतलब मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन राहुल ने उसका खून कर दिया बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने राहुल को गोली मरवा दी राहुल ने तुम्हारे बेटे का खून किया हाँ सर राहुल ने जानबूझकर मेरे बेटे का एक्सीडेंट में खून कर दिया राहुल ने तुम्हारे बेटे को एक्सीडेंट में जानबूझ के कैसे मार दिया एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे रास्ते में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया राहुल तो कूद कर बाहर आ गया लेकिन उसने मेरे बेटे को गाड़ी के अंदर मरता छोड़ दिया सर बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अपने बेटे का मौत का बदला मैं राहुल से एक दिन जरूर लूंगा राहुल को मार के तुमने बदला ले लिया मगर इन लोगों की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो सर मैं राहुल को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था इसलिए मैंने राजेश और शीतल के परिवार को किडनैप किया और उनसे कहा कि राहुल को मार दो जब तुमने राहुल को मरवा ही दिया इन्हें क्यों नहीं छोड़ा तुमने सर इन्हें छोड़ देता तो आप लोग सब कुछ बता देते मैं तो इनको मार कर सारे सबूत मिटा देना चाहता था सारे सबूत मिटा देना चाहता था सर बेटे के प्यार में अंधे हो के तुमने एक बेगुनाह आदमी की जान ली हो अब जिंदगी भर जेल में बैठोगे अगर फांसी नहीं हुई तो फांसी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़